लावा A1 आपको एक मीडियम प्राइस में एक मीडियम क्वालिटी का फ़ोन आसानी से मिल जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको लावा A1 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा लावा A1 का बॉक्स है, जिसके साथ आपको एक चार्जर भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप यहां देख सकते हैं। हमने इसे ऑफलाइन परचेज किया है, जिसका बॉक्स आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको ऑनलाइन बॉक्स भी कुछ देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने इसे ऑफलाइन परचेज किया है, जो कि इस तरह से कुछ आपको मिल जाएगा। अब चलिए इसके मॉडल और डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका मॉडल है लावा A1, जो कि आप यहाँ मॉडल देख सकते हैं, लावा रिप्लेसमेंट यूनिट। और इसका कलर आपको मिल जाता है मैग्नेट और रेड। अगर आप इसे दूसरे कलर में परचेज करना चाहते हैं तब भी आप इसे कर सकते हैं, उसकी प्राइस सेम रहेगी। साथ ही नीचे आपको यहाँ इसका IMEI नंबर मिल जाता है। IMEI नंबर एक यहाँ पे है और एक दूसरा यहाँ पे है। आपके मोबाइल फ़ोन में जितने ही सिम होते हैं उतने ही IMEI नंबर आपको दिए जाते हैं। तो फिलहाल हमने लावा A1 को ऑफलाइन अपने एक नियरेस्ट शॉप से परचेज किया है, क्योंकि हमें इसे तुरंत ही परचेज करना था, तत्काल परचेज करना था। सो हमने इसे ऑनलाइन परचेज नहीं किया है, क्योंकि अगर हम इसे ऑनलाइन परचेज करते तो इसे हमारे घर तक आने के लिए 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन लग सकते थे। लेकिन ऑफलाइन हमने तुरंत आधे से 1 घंटे के अंदर में परचेज कर लिया है। और अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ऑफलाइन के मुताबिक ऑनलाइन की प्राइस कम होती है। चलिए बिना देरी किए हम इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। जो कि आप देख सकते हैं, लावा A1 कुछ इस तरह से आपको दिया जाता है। अगर आप इसे बॉक्स से पहली बार निकालेंगे तो आपको इसके स्क्रीन पे एक स्टिकर दिखेगा लावा A1 का। तो हमने इसे ऑफलाइन परचेज किया है और उस शॉप वाले ने इसके ऊपर का स्टिकर यहाँ से हटा दिया है और अपनी तरफ से एक प्लास्टिक लगा दिया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब चलिए लावा A1 की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो लावा A1 हमें 1100 रुपये का मिल गया है ऑफलाइन में। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको और कम दाम में भी मिल जाए, जो कि आप यहां बॉक्स पे देख सकते हैं, यहां पे वारंटी लिखा हुआ है। इसकी कंडीशन यह है कि बाय द वे, अगर 6 महीने के अंदर आपकी बैटरी को कुछ हो जाता है तो उसे चेंज करके दे देंगे। अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है और आप उस शॉप पे ले जाते हैं और अगर उस शॉप वाले ने आपके फ़ोन को बना दिया तो उसे आपको वारंटी के मुताबिक दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन बनने की कंडीशन में नहीं है तो उस शॉप वाले को आपको एक नया फ़ोन देना होगा। लावा A1 में आपको यहाँ एक स्पीकर मिल जाता है। अगर आप किसी से बात करते हैं तो इसी स्पीकर से आपको बात सुनाई देने वाली है किसी भी कॉल पे। उसके बाद आपको यहाँ एक माइक मिल जाता है, जो कि आपकी बात रिकॉर्ड करेगा और जिस भी पर्सन से आप कॉल पर बात कर रहे हैं उसको ये आवाज़ सुनाई देने वाली है। और साथ ही आपको यहाँ एक ईयरफोन लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी मोबाइल फ़ोन में यही पिन लगती है। अब इसके बैक साइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बैक साइड में आपको एक छोटा सा कैमरा मिल जाता है और साथ ही आपको एक स्पीकर मिल जाता है किसी भी सॉन्ग की आवाज़ को सुनने के लिए। अब चलिए इसके बैटरी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें इसमें कितने mAh की बैटरी मिल जाती है। तो इसे ओपन करने के लिए यहाँ आपको मिल जाता है, यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फ़ोन ओपन हो गया है। आपको यहाँ पे पुश करना है, उसके बाद स्लाइड करके ले जाना है, ये फ़ोन ओपन होता चला जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और आप यहाँ लावा A1 की बैटरी भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमें 800 mAh की मिल जाती है। और आप यहाँ इसका बोल्ट देख सकते हैं, आपको यहाँ 3.7 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है। तो चलिए हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो जैसे आप यहां ओपन करते हैं तो आपको यहां सिम और चिप लगाने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपका ये सिम स्लॉट 1 है और ये आपका सिम स्लॉट 2 है। अगर आप यहां चिप भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां चिप भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आप यहां आसानी से इसे ऐड कर सकते हैं। आपको यहां अपनी चिप को लगा देना है, लगाने के बाद इस पेटी को बंद कर देना है, उसके बाद इसे हल्का सा स्लाइड करना है, आपका चिप लग जाए। तो आपको 1100 रुपये में एक बेस्ट फ़ोन मिल जाता है मेरे हिसाब से,
क्योंकि इसका आप कलर और इसके हिसाब से इसकी डिज़ाइन वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको एक मोबाइल फ़ोन साथ ही इसके साथ आपको एक चार्जर भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही आपको यहाँ एक छोटा सा टॉर्च भी मिल जाता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखने के बाद आपका इसके बारे में क्या सजेस्ट है नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से एक लो प्राइस में आपको एक बेस्ट फ़ोन मिल जाता है। मेरी सजेस्ट यही रहेगी कि आपको भी इसे परचेज कर लेना चाहिए। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं इसकी प्राइस देख के। अगर आप इसे ऑफलाइन भी परचेज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं अपने किसी भी नियरेस्ट शॉप पे जाके। उम्मीद करता हूँ ये अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।